सुल्तानगंज के घोलघट खड़िया हाट के समीप अज्ञात तीन बाइक सवार छह अपराधियों ने एक प्राइवेट बैंक कर्मी से छिनती कर मारी गोली। प्राइवेट एक बैंक कर्मी से अज्ञात तीन मोटरसाइकिल सवार छह अपराधियों ने गोली मारकर की छिनती। पुलिस घटना को लेकर छानबीन में जुटी। भागलपुर सुल्तानगंज के घोलघट खगड़िया हाट के समीप तीन मोटरसाइकिल सवार छह अपराधियों ने हथियार के बल पर एक प्राइवेट बैंक कर्मी से लाखों रुपए की छिनती कर सीने के पास व बाह में मारी गोली। मौके से अपराधी फरार। घटना की सूचना स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी लेते हुए घायल युवक को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया। वहीं दाने उपचार करते हुए गंभीर देख भागलपुर मायागंज रेफर कर दिया है। वहीं घायल युवक के मकान मालिक संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि मुकेश कुमार अलोली खगड़िया के रहने वाले है, जो फ्यूजन माइक्रोफाइनेंस कंपनी के कर्मी भी है, जो कलेक्शन कर घर वापस आ रहे थे। तभी घोलघट खड़िया हाल के समीप तीन मोटरसाइकिल पर छह व्यक्ति सवार थे, जो हथियार के बल पर 1,20,400 रुपए की लूट कर दो गोली मारकर घायल कर मौके से फरार हो गया है। इस घटना को लेकर पुलिस घटना की छानबीन करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न जगहों में छापेमारी अभियान शुरू कर दिया गया है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का ये स्टाफ है, खड़िया पिपरा होल्ड से पैसा कलेक्शन करके ग्राहकों से आ रहे थे। तीन स्टाफ थे, तीनों मिल के आ रहे थे। इसे छह अज्ञात आदमी मोटरसाइकिल से, दो मोटरसाइकिल में सवार थे, इसको घेर के पैसा छीन लिए और गला में गोली मार दी। कितना पैसा का छीनते हुए? 1,20,421 रुपये छीनते हुआ है जी। ये क्या नाम है इनका? जो मुकेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? ये ऊपर खगड़िया के रहने वाले, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पर यह घटना घटी है? ये घटना घटी है ये खड़िया पिपरा हॉल, खड़िया पिपरा हॉल के पास। आपका क्या नाम हुआ? संजय कुमार गुप्ता। आपका कौन है ये? मेरे मकान में इसका ऑफिस चलता है, स्टाफ है माइक्रो फाइनेंस का।